हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने एक जीएसटी का बेसिक आइडिया देखा था कि जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा, जीएसटी लाने का इंटेंशन क्या था। आज जो मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करने जा रहा हूँ वो है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सो देखते हैं हम और पढ़ते भी हैं। ओके, नाउ जीएसटी के पहले हम जो टैक्सेस देते थे वो अलग अलग चीजों पे देते थे। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज ड्यूटी था, जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पे सर्विस टैक्स था, जो डीलर है या ट्रेडर है उनके ऊपर वैट और सीएसटी था। ठीक है, अब इन सबको हटा के एक ही कॉन्सेप्ट में मर्ज किया है जिसका नाम है सप्लाई। जिसका नाम क्या है? सप्लाई। तो अभी जो जीएसटी आएगा वो सप्लाई पे आएगा। अब ये बोलेंगे सर पहले भी तो टैक्स लगता था, अभी भी टैक्स लग रहा है, ये नया वर्ड क्यों लाया? इसका पहले लॉजिक समझ लो। पहले क्या होता था, जैसे एग्जाम्पल दूंगा वैट सीएसटी का। वैट सीएसटी अगर सेल होता था तो ही लगता था, तो जहाँ पे सेल नहीं हो रहा है वहां पे वैट सीएसटी नहीं लगता था। तो देयर वाज अ स्कोप फॉर इवेजन और यू कैन से मैनिपुलेशन टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन सप्लाई में वो स्कोप ही नहीं रहेगा। सप्लाई का मतलब है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो रीजन कोई भी हो, उस सेल के वजह से हो या अदर देन सेल हो, दोनों पे जीएसटी आता है। तो ये सप्लाई लाने का गवर्नमेंट का जो मकसद था ये था। यू कैन से इट्स अ मास्टर स्ट्रोक बाय गवर्नमेंट। ये वर्ड ऐड करने की वजह से जो पहले ट्रांजैक्शन सेल नहीं थे, मैन्युफैक्चर नहीं थे, सर्विस नहीं थे, जिसके वजह से उस पे रिस्पेक्टिव टैक्सेस नहीं आते थे, इस कॉन्सेप्ट की वजह से सब कुछ टैक्सेशन में आ गया। बिकॉज द मूवमेंट, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट देयर विल बी जीएसटी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है वन बाय वन। तो दोस्तों ये अच्छे से लर्न करना है। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सेक्शन 7 डिफाइंस सप्लाई। ओके, देखो उसमें पहला क्लॉज ए पढ़ते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल बोला है, ऑल एनी, बहुत सोच के डेफिनेशन बनाया है। सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, सप्लाई गुड्स का हो, सर्विस का हो या दोनों का हो। सच एज, अब ये सच एज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सच एज का मतलब होता है ये जो आगे दिया वो तो कवर्ड है, अदर देन दिस भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जो सप्लाई के टर्म्स में उसके कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो उस पे भी जीएसटी आएगा। तो सच एज का मतलब है इसके आगे जो वर्ड्स है वो एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, वो तो कवर्ड ही, अदर देन दैट भी कोई है तो वो भी कवर्ड है। तो सप्लाई इंक्लूड्स, सच एज दिया है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय वन पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो एक एक करके देखते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, सच एज सेल, आपको पता है ना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर मतलब वही है, बार्टर, बार्टर मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, लाइसेंस रेंट पे देना, मैंने मेरा कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है उस पर जीएसटी आएगा। नाउ डिस्पोजल का मतलब समझ लो, मेरे पास कोई मशीन है उसको मैंने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया तो उस पर भी जीएसटी आएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। पहला कंडीशन है कि वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स होना चाहिए, उसका मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहिए, एंड इट इज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होते हैं, क्या पहला कंडीशन है वो मेरा कैपिटल गुड्स होना चाहिए, यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एंड उसका अगर मैंने ITC लिया है तो उस मशीन को बाद में मैं डिस्पोज करता हूँ। डिस्पोज का मतलब दो होता है, मैंने उसको बेच दिया या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया, नहीं बेचा, ऐसे किसी को दे दिया, दोस्त को तो लेके जा मशीन खराब हो गया, लेके जा वैसे फुकट में लेके जा, तो भी जीएसटी आएगा, इसको भी सप्लाई माना गया है। फॉर कंसिडरेशन,
तो कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। खाली कंसिडरेशन में दो चीज़ें नहीं आती, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करना है, एंड कभी कभी अपने को डिपॉजिट देना पड़ता है जो रिफंडेबल होता है, तो रिफंडेबल डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस ने भी स्कीम निकाला है जियो ने, कि जहाँ पे आपको 1500 रुपये दे के डिपॉजिट दे के फ़ोन मिलेगा, तो वो जो डिपॉजिट है वो रिफंडेबल है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नाउ व्हाट इज फर्दरेंस, इसका मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, इसका डेफिनेशन नहीं दिया, एग्जांपल ले सकता। जैसे मेरे घर पे एक मेरा दोस्त आया, तो मेरे घर पे जो सोफा सेट था उसको पसंद आ गया, उसने कहा मेरे को खरीदना है, मैंने कहा मेरे को नहीं बेचना है, नहीं उसने कहा मेरे को खरीदना ही है, तो वो मेरे को पैसा दे के वो सोफा सेट लेके गया। अभी मैंने सोफा सेट का सप्लाई किया है, यस, कंसेशन मिला है, यस, दोस्त ने पैसा दिया है, बट इज इट माय बिजनेस, नो दोस्तों ये मेरा बिजनेस नहीं है, दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, दिस इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने वही सोफा सेट जिसको बेचा है वो अगर डीलर है एंड उसने अगर किसको बेचा तो उसमें जीएसटी आएगा, क्योंकि उसका बिजनेस है सोफा सेट बेचने का। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने आपको मोबाइल सेल किया, उस पर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं मोबाइल बेचने का। लेकिन मैंने सपोज मोबाइल डीलर को बेचा, डीलर ने अगर आपको बेचा तो डीलर का काम ही मोबाइल बेचना, उस पर जीएसटी आएगा। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सच एज का मतलब बाकी भी कवर हो सकता है, डिस्पोजल का मतलब है परमानेंट ट्रांसफर, मतलब बेच दिया या उसको ऐसे किसको दे दिया तो भी जीएसटी आएगा। मेड और एग्रीड टू बी मेड का मतलब, मेड मतलब अभी पेमेंट हो गया, एग्रीड मतलब इन फ्यूचर। कंसेशन कैश में भी हो सकता है या कैश में भी हो सकता है। कंसेशन में रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं लेना है, गवर्नमेंट से मिलने वाला सब्सिडी नहीं लेना है, एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस का मतलब क्या है, वो बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। तो यह है क्लॉज ए। अभी देखते हैं क्लॉज बी, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। दोस्तों यहाँ पे फोकस सर्विस पे है, क्लॉज ए में गुड्स भी था सर्विस भी था। यहाँ पे अगर आपने कोई बाहर से सर्विस लिया है फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आप बाहर से कोई सर्विस लेके आते हो, पैसा आपने दिया है, वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, उसको भी सप्लाई के डेफिनेशन में कवर किया है। तो मैंने कोई मेरे ऑफिस के लिए बाहर से सर्विस ली, इम्पोर्ट की, तो उस पर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा, ठीक है, तो उसमें भी जीएसटी लगेगा। तो ए एंड बी में फर्क क्या है, ए में फर्दरेंस है, बी में फर्दरेंस हो या ना हो उस पर जीएसटी आएगा, ये क्लॉज बी। क्लॉज सी, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्लॉज सी का स्पेशलिटी है, कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा तो भी सर्टन एक्टिविटीज जो शेड्यूल वन में दिया है, जो शेड्यूल वन में दिया है उस पर जीएसटी आएगा। तो देखो हर एक क्लॉज का स्पेशलिटी है, ए में फर्दरेंस भी चाहिए, कंसिडरेशन भी चाहिए, बी में फर्दरेंस नहीं होगा तो भी चलेगा, कंसिडरेशन होना जरूरी है, एंड सी में कंसिडरेशन नहीं हुआ तो भी चलेगा, करेक्ट ना, कंसिडरेशन नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन वो एक्टिविटी शेड्यूल वन में होना चाहिए, तो उस पर जीएसटी आएगा। अब ये बोलेंगे शेड्यूल वन में ऐसे कौन से एक्टिविटी है सर जिसमें सप्लाई तो हो रहा है बट कंसिडरेशन नहीं है, कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ क्विकली। पहला एग्जांपल, गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू, मतलब एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। अभी जब कंपनी एम्प्लॉय को गिफ्ट देती है, तो कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिवाली में गिफ्ट देगा, तो सोचो उसमें कंसिडरेशन आएगा क्या, नहीं आएगा, गिफ्ट पे कंसिडरेशन नहीं आता है, लेकिन अभी उस पर जीएसटी आएगा, ये शेड्यूल वन में कवर्ड है, लेकिन उसका लिमिट है 50,000, उसका लिमिट कितना है 50,000 के ऊपर है तो जीएसटी आएगा, एक साल में 50 के ऊपर है तो जीएसटी आएगा। ऐसे बहुत सारे शेड्यूल वन में कवर्ड है। और दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, करेक्ट, एंड एजेंट आगे जाके गुड्स को सेल करेगा, मतलब सप्लाई करेगा, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट, उस पर एजेंट को जो कमीशन मिलेगा
उस पर भी जीएसटी आएगा, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं भी रहेगा तो भी जीएसटी आएगा, करेक्ट ना? ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं जहाँ पे कंसल्टेशन नहीं है, वो कहाँ पे डिफाइन है? शेड्यूल वन। वो बाद में जब मैं लेक्चर लूंगा उसमें मैं शेड्यूल वन टू एंड थ्री पे डिटेल में डिस्कशन करूंगा, उस केस में आपको मैं बताऊंगा। आज के लेक्चर का फोकस है जस्ट टू गिव यू ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो शेड्यूल वन ध्यान में रखना, इसमें जितने भी एक्टिविटीज है उसमें कंसल्टेशन नहीं भी रहेगा तो भी जीएसटी आएगा, और उसमें आता है वो मशीन का एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर कहा था कि मैंने मशीन लिया है, उसका क्रेडिट क्लेम किया है, फर्दरेंस भी है, एंड बाद में मैंने दोस्त को ऐसे गिफ्ट कर दिया, खराब हो गया, इसलिए उस पर जीएसटी आएगा। तो ऐसे एक्टिविटीज कहाँ पे दिए? शेड्यूल वन। एंड लास्ट है क्लॉज डी, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। नॉट टू बी ट्रीटेड एज का मतलब है इसको माना गया है कि ये या तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या तो सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है। एंड ये शेड्यूल टू में दिया है, इसका भी डिस्कशन बाद में मैं अलग से लेक्चर में लूंगा। मैं हर एक रिविजन लेक्चर में थोड़े थोड़े पॉइंट इंट्रोड्यूस करूंगा, एक साथ पढ़ा जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें मेरा फोकस होगा शेड्यूल वन शेड्यूल टू पे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आज इतना ध्यान में रखो कि शेड्यूल वन में जो दिया है एक्टिविटीज जो बाद में पढ़ने वाले हैं उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा तो भी सप्लाई माना जाएगा, एंड शेड्यूल टू में जो एक्टिविटीज है उसको या तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, होटल होटल में जाके हम खाना खाते हैं तो वो शेड्यूल टू में कवर्ड है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये शेड्यूल कहाँ पे कवर्ड है? शेड्यूल टू में कवर्ड है, करेक्ट ना? रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो शेड्यूल टू में लिस्ट दिया है कि इनको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, इनको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो ये थे दोस्तों चार क्लॉज सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो क्लॉज ए बी सी डी में उसका डेफिनेशन डिवाइड किया है, तो आपको हर एक का स्पेशलिटी लर्न करना है। बी पॉइंट का स्पेशलिटी है फर्दरस हो या ना हो, इम्पोर्ट किया तो सप्लाई मानेंगे। सी क्लॉज का स्पेशलिटी है कंसेशन नहीं भी रहेगा लेकिन अगर वो शेड्यूल वन में कवर्ड है सप्लाई मानेंगे। एंड डी क्लॉज का स्पेशलिटी उसको माना गया है या तो सप्लाई ऑफ गुड्स या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन वन, जो हमने पढ़ा था सबसेक्शन वन, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थ्री। अभी आ गया शेड्यूल थ्री दोस्तों, ये है निगेटिव लिस्ट। तो आपको दोस्तों तीन शेड्यूल अच्छे से लर्न करने हैं। शेड्यूल वन एंड टू सेक्शन सेवन में आते हैं, इस पे जीएसटी का लेवी होता है। शेड्यूल थ्री इज अ नेगेटिव लिस्ट जिस पे जीएसटी नहीं आएगा। सो नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है जिस पे जीएसटी लेवी नहीं हुआ है, तो वो सब लिस्ट कहाँ पे दिया है? शेड्यूल थ्री में, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की भी कुछ एक्टिविटी डिफाइन किए जाएंगे जहां पे दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटीज, तो उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। तो खाली दो ए एंड बी को उन्होंने जीएसटी से एक्सक्लूड किया है, बाकी सेक्शन 7 में जो ए बी सी डी है उन चारों को सप्लाई माना जाएगा। ये वही दिया है। नाउ अभी अपन कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आपको मैं एक बेसिक आइडिया देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन, मिस्टर सीएमए राम अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट कैरीज आउट एक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग फाइलिंग रिटर्न्स सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। अभी देखो वो काम कर रहा है अकाउंटिंग ऑडिटिंग फाइलिंग, उसको पैसा भी मिल रहा है तो सर्विस भी दे रहा है, कंसीडरेशन भी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस भी है, तो उसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसका काम ही क्या है? प्रोफेशनल सर्विस देना, एंड वही सर्विसेज वो दे रहा है। तो ये अपने पॉइंट ए में आएगा और उस पे जीएसटी आएगा। दूसरा, मेसर्स एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार कंपनी यूज्ड टू सेल मोर नंबर ऑफ कार्स इन सदर्न इंडिया, इन अ व्यू ऑफ डिमांड इन सदर्न इंडिया इट इंटेंड टू एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चर यूनिट इन चेन्नई। तो अभी सदर्न इंडिया में वो कार बेच रहे हैं, वहां पर डिमांड बढ़ रहा है,
तो उन्होंने कहा कि अपन चेन्नई में एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। मिसेस एक्स लिमिटेड अपॉइंटेड वाई एज अ कंसल्टेंट फॉर सर्चिंग इवेल्यूटिंग शॉर्टिंग प्लेसेस फॉर प्रोस्पेक्टिव टारगेट्स, मतलब चेन्नई में कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया मिस्टर वाई, जो आपको हेल्प करेगा पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। फाइनली कंपनी डिसाइड टू एस्टैब्लिश यूनिट इन अबेटूर इंडस्ट्रियल एस्टेट चेन्नई। तो वाई ने पूरा रिसर्च करके एक्स लिमिटेड को बताया कि चेन्नई में भी कहाँ पे करना है, इस एरिया में आप बिजनेस स्टार्ट करो, यहाँ पे नया यूनिट स्टार्ट करो। तो ये जो सर्विस दिया है वाई ने, जो एक्स को सर्विस दिया है, इसको मानेंगे फर्दरेंस, क्योंकि वाई क्या है, कंसल्टेंट है, उसका काम ही क्या है, लोगों को सर्विस देना। तो इसको बोलते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वाई ने जो एक्स लिमिटेड को हेल्प किया है टू डिसाइड वेयर टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, उसको क्या मानेंगे फर्दरेंस मानेंगे। तीसरा, मिस्टर एक्स सोल्ड लैपटॉप वर्थ 1 लाख and issued invoice to Mr. Y. Now ownership in laptop transferred to Y. Such transaction shall be covered in sale and it's a supply of goods and leviable to GST. तो X ने simple laptop बेचा, किसको बेचा, Y को। तो Y पैसा देगा, X laptop देगा और Y के नाम पे भी बना के देगा। तो उसको मानेंगे strictly transaction of sale। ये section 7.A में covered है, sale, transfer, barter। तो इसको बोलते हैं सेल, जहाँ पे बायर सेलर है, ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, फॉर कंसिडरेशन हो रहा है, तो उसको भी क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, उस पर जीएसटी आएगा। पॉइंट नंबर 4 देखो, अभी चौथा एग्जांपल थोड़ा अलग है। मिस्टर टी अ थीफ हैज स्टोलन मोटर बाइक्स एंड सेल मोटर बाइक टू क्यू, ओके, मतलब इलीगल तरीके से चोरी का माल बेचना। तो टी ने क्यू को चोरी का माल बेचा है। It's illegal to steal motorbike. Sell a motorbike considered as a supply of goods and liable to be taxed. GST में बोला है कि supply of goods बोला, ऐसे नहीं बोला है कि supply of legal goods or illegal. So whenever there's a supply of goods, whether it's legal or illegal, उस पर GST आएगा। Mr. T sold narcotic drugs to physiotherapeutic substance. Correct ना? So drugs and ये बेचा उसने टू मिस्टर क्यू फॉर 3 लाख। दिस गुड्स आर प्रोहिबिटेड गुड्स सिंस सच एक्टिविटी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई, मिस्टर टी इज पनिशेबल अंडर द लॉ। तो दूसरा वाला एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, जो लॉ में ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन पहला वाला जो है वो खाली इलीगल एक्टिविटी है, बाइक बेचना इलीगल है क्या? बाइक बेचना लीगल है। हाँ, उसने जिस तरह से बेचा वो गलत है, चोरी करके, चोरी करना गलत है, बट जीएसटी में क्या बोला है, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो बाइक इलीगल गुड्स है क्या? नहीं, बाइक लीगल। तो बाइक बेचना इटसेल्फ इज अ लीगल एक्टिविटी, इसलिए उस पे जीएसटी आएगा। लेकिन ड्रग्स बेचना अलाउड ही नहीं है, ड्रग्स में डीलिंग करना अलाउड नहीं है, तो उसका ट्रांजेक्शन भी वॉइड माना जाएगा, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि कायदे से अपने को अलाउड नहीं ड्रग बेचना। तो जो बाइक बेचना है वो है इलीगल एक्टिविटी, जो ड्रग बेचता है वो क्या है, प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड है तो फिर उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें डीलिंग करना अलाउड नहीं है, बाइक में डीलिंग करना अलाउड है। क्वेश्चन 5, मिस्टर एक्स इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोवाइडेड वेरियस सर्विस लाइक वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएटर। तो वैल्यूएशन में लोगों की मदद करता है वो, इनवाइटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द टेंडर्स, सेलिंग एसेट्स, मेकिंग पेमेंट टू बोरोअर, क्रेडिटर एंड सो ऑन। Activities of Mr. X are treated as supply of service and commission earned by him is subject to GST. तो इज ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर क्या करता है आपको पता है, आपका एसेट का वैल्यूएशन करेगा, उसको बेच के प्रायोरिटी वाइज सबको पेमेंट करेगा, तो उसके जो चार्जेस है उसको सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी आएगा। खाली उसने सर्विस दिया ऐसा माना जाएगा। ऊपर के एग्जाम्पल में बाइक सप्लाई ऑफ गुड्स था, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। Question 6. Mr. A being dealer of a furniture, deliver goods to the branch office of X Limited upon the direction of X Limited head office. ठीक है, तो A dealer है और उसने कहा कि branch office को goods supply करो upon the direction of head office. Head office ने बोला है A को कि तुम branch office goods supply करो, उसने goods supply किए। The contract of supply furniture between A and Mrs. X Limited head office.
A is liable to be GST on the consideration received from X Limited head office. तो यहाँ पे देखो क्या नया पॉइंट है, आप बोलेंगे तो हेड ऑफिस ही है, करेक्ट ना, हेड ऑफिस हो या कुछ भी हो, ए ने गुड्स का सप्लाई किया कि नहीं किया है, किया है, भले वो हेड ऑफिस के डायरेक्शन के हिसाब से हो, तो ए ने हेड ऑफिस के बोलने पे गुड्स का सप्लाई किया है, तो ए को जो पैसा मिलेगा हेड ऑफिस से उस पर जीएसटी आएगा, ओके, उस पर जीएसटी आएगा। एंड इवन ध्यान में रखना, अगर दो ब्रांच के बीच में भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अगर आपने पहले सीएसटी पढ़ा रहेगा, दो ब्रांचेस अगर अलग अलग स्टेट में है तो उसपे सीएसटी नहीं आता था, क्योंकि वो सेल के डेफिनेशन में नहीं बैठता था, लेकिन अभी सप्लाई में सब कुछ इंक्लूड है, तो इवन इफ देयर इज अ ट्रांसफर बिटवीन टू ब्रांचेस विच आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, तो उसको भी सप्लाई माना गया है। गुड सेंड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन रिटर्नेबल बेसिस, इज इट सप्लाई? नो, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भेजा है, ये रिटर्नेबल बेसिस पे है, तो यहाँ पे गुड्स तो गए बट यहाँ पे कंसिडरेशन है क्या? नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, डेमो होने के बाद तो गुड्स रिटर्न आने वाले हैं एंड बाद में फिर कस्टमर ऑर्डर देगा एंड अकॉर्डिंगली हम गुड्स को डिस्पैच करेंगे, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। इट्स लाइक अ सैंपल, टेकिंग सैंपल फॉर टेस्टिंग, सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्कर फॉर टेस्टिंग, प्रोसेस के गुड्स रिटर्न आने वाले हैं, तो ये गुड्स अगर रिटर्नल बेसिस पे तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ जेरोक्स मशीन, ये ट्रांसफर द राइट टू ऑपरेट जेरोक्स मशीन टू मिस्टर बी, देखो उसने अभी राइट ट्रांसफर किया है फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर 4 मंथ्स, हेंस ओनरशिप ऑफ द मशीन इज नॉट ट्रांसफर बट राइट इन मशीन ट्रांसफर, मतलब ये टेम्पररी ट्रांसफर है, अगर मशीन बेच देंगे तो उसको गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे मैंने मशीन चलाने का आपको अधिकार दिया है, राइट दिया है, इसको मानेंगे सर्विस एंड उस पर भी जीएसटी आएगा, सो 10,000 पे जीएसटी आएगा एंड मेन थिंग क्या है, इसको सर्विस माना जाएगा। एंड लास्ट टू क्वेश्चंस, मिस्टर सी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइडेड सर्विस टू मेसर्स ए लिमिटेड डीलर्स ऑफ लैपटॉप, इन रिटर्न मेसर्स ए लिमिटेड गिवन सी 2 लैपटॉप, मतलब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है यह काइंड में हुआ है, मैंने आपको सर्विस दिया और आपने मेरे को इंस्टेड ऑफ कंसिडरेशन कैश में नहीं दिया, किसी अदर फॉर्म में दिया, जीएसटी आएगा, 100% जीएसटी आएगा, सो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई, क्योंकि मैंने आपको प्रोफेशनल सर्विस दिया है एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश आपका लैपटॉप का शॉप है, तो आपने मेरे को 2 लैपटॉप दे दिए, तो 2 लैपटॉप को जो वैल्यू होगा उस पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। हियर 2 वे सप्लाई टेक्स प्लेस, मिस्टर सी इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस एंड ए लिमिटेड मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, हेंस टैक्स पेबल बाय बोथ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप सेल किया है और मैंने मेरा सर्विसेज दिया है, तो दोनों को जीएसटी के बिल बना के देने पड़ेंगे एंड दोनों को टैक्स भरना पड़ेगा, नो डाउट उनको क्रेडिट मिलेगा बट प्राइमरी बेसिस दोनों को देना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा सप्लाई ऑफ लैपटॉप, मैं दिखाऊंगा सप्लाई ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, तो अकॉर्डिंगली मैं सर्विसेज पे जो टैक्स वो लगाऊंगा वो लैपटॉप पे जो टैक्स लगाएंगे एंड अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन होगा। एंड लास्ट, मिस्टर एक्स अ डीलर इन लैपटॉप, ही सप्लाइड लैपटॉप फॉर 40,000 टू मिस्टर वाई अलोंग विद द बार्टर ऑफ प्रिंटर, ठीक है, मतलब उसने लैपटॉप सप्लाई किया है एंड एक्सचेंज में क्या मिला है, प्रिंटर, द वैल्यू ऑफ प्रिंटर इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज 4,000 बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज नॉट नोन, देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 44,000, हेंस मिस्टर एक्स लायबल टू पे जीएसटी ऑन 44,000 एट द टाइम एंड मिस्टर वाई इज ऑल्सो लायबल टू पे जीएसटी ऑन 4,000 इफ इज अ रजिस्टर पर्सन। अभी शुरू ध्यान से क्या है, एक्स ने लैपटॉप सप्लाई किया वाई को 40,000 का एंड वो क्या ले रहा है, रिटर्न प्रिंटर ले रहा है, मतलब उसके पास प्रिंटर आ रहा है और वो लैपटॉप दे रहा है, करेक्ट ना, तो लैपटॉप का वैल्यू जो है वो कितना है, द वैल्यू ऑफ प्रिंटर 4,000 है जो बार्टर में वो एक्सचेंज हो रहा है एंड लैपटॉप का वैल्यू पता नहीं है, मतलब ऊपर लैपटॉप वैल्यू 40,000 है, ओपन मार्केट वैल्यू पता नहीं है, करेक्ट ना, तो लैपटॉप दिया है 40,000 का अलॉन्ग विद बार्टर ऑफ प्रिंटर, तो लैपटॉप 40,000 प्रिंटर 4,000 का, तो दोनों का वैल्यू कितना है 44, तो इन दोनों पे आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी, इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन।
तो उसने आपको प्रिंटर दिया, मैंने लैपटॉप दिया, करेक्ट ना? तो ये उसने प्रिंटर दिया इसलिए मैंने लैपटॉप दिया, तो मेरे लैपटॉप का जो वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू ऑफ माई लैपटॉप प्लस प्रिंटर है, इसलिए मेरे को 44 पे जीएसटी देना पड़ेगा। एंड उस बंदे ने खाली प्रिंटर दे के उसको लैपटॉप मिला है, तो उसका प्रिंटर का वैल्यू कितना है, 4000 है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको 4000 पे जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ये एक शॉर्ट लेक्चर है जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया व्हाट इज सप्लाई। जो मेरे आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें और डिटेल में एक एक चीज में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर देखने के बाद आपके जो जो डाउट्स है आप व्हाट्सएप, या व्हाट्सएप नंबर दिया है, या फिर यू कैन पोस्ट ऑनलाइन एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।